आपका अपना चैनल हलवीज़ आज हमारा यहाँ का जगह का राज्य सब्जी मंडी है। आज जो है 25 तारीख है। आपका अपना चैनल हलवीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक करें। आज हम आपको सब्जी की रेडी बताएंगे। बोलो कि क्या साधर 40 रुपये और ये टिंडा 80 रुपये और ये गवार फली 40 भी खींच हमें फोटो 80 रुपये। करेला करेला ये 70 रुपये 70 रुपये। बैगन लंबा वाला 50 का, गोला वाला 50 का और शिमला मिर्च 60 रुपये किलो। और भिंडी के रेट क्या है भाई? भिंडी के 90 रुपये। क्या पड़ा था भाई? गोभी बिक गई है सारी? बिक गई। क्या हिसाब रही है? 40 रुपये किलो। और ये वाली गोभी के हिसाब दे रहे हो? ये भी 40 की। ये छोटा साइज है ये। और ये चुकंदर 70 का। करेला 50 का। शिमला मिर्च 60 का। आपकी हरी प्याज की आपकी है? हरी प्याज के हिसाब दे रहे हो? 60 रुपये किलो। और धनिया के रेट क्या है? 250 की 40। धनिया महंगा हो गया क्या? और ये पुदीना 100 का 40। बंदे क्या हुआ है? ये छिला लहसुन के हिसाब है 200 रुपये। और ये नींबू 120। और ये अदरक 270। और वो आ गया ला 300 रुपये। और ये लहसुन बगैर छिला क्या हिसाब है? 180 200 रुपये। साढ़े तीन सौ रुपये पेटी। कितना वजन है इसमें? 15 किलो। रेट कम होगा टमाटर क्या? अच्छा ये भी ये वाला 400 रुपये। और हमारे हर हफ्ते की वीडियो होती है, तो हम लोग बताते हैं कि फ्रूट के रेट चल रहे हैं, सब्जी के रेट ये चल रहे हैं। आपका अपना चैनल हलवीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक करें। ये पालक के रेट ले लें क्या है? पालक के रेट क्या भाई? 10 रुपये किलो। गाजर के रेट क्या है? गाजर गाजर के रेट क्या है? कितना है? 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो। माड़ू कद्दू क्या रेट है? माड़ू कद्दू का 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। और ये करेला? करेला भी तोल देंगे आपको 60 का। 60 का। और ये बैंगन? ये बैंगन 50 का। 40 का। 30 का। 30 का लगा दोगे? अच्छा 20 का लगा दोगे। अगर 5 मिनट और रुका 10 का दोगे? हमारे उस्ताद लाजमी आना चाहिए। आ जाएगा, सब पैसा आ जाएगा। ये 60 की मिल जाएगी। और लौकी कैसा बोल रहा है? 20 रुपये। और ये वाली गोभी 100 रुपये। 100 रुपये किलो। ये 60 रुपये लग जाएगी। ये थोड़ी अच्छी है, 60 में दे दोगे? मार्केट कैसे चल रही है? मार्केट वैसे ही चल रही है जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, मतलब बिल्कुल हल्की मार्केट है? मार्केट आज बड़ी सस्ती है। ये लोग इकट्ठा कितने का है? वजन कितने चाहिए? एक कट्टा कितने का है? ये कट्टा तकरीबन 150 रुपये का है। 150। वजन कितना है इसमें? इसका 15 किलो। 10 रुपये का। 10 रुपये किलो। आज मार्केट बड़ी हल्की है, क्या बात है? मार्केट ईद के बाद डाउन है भाई। अच्छा, 14 गज आ गया, फिर बकरीद आ गई, मोहर्रम आ गया, मोहर्रम की वजह से। वैसे ही माल पीछे नहीं आ रहा होगा ना, तो माल तो महंगा होना चाहिए। माल तो बहुत है माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, लेकिन बारिश नहीं हुई है, इस वजह से माल ज्यादा है। मजीद माल मतलब
महंगा होने के चांस अभी नहीं है। बारिश हुआ तो जमींदार को फायदा मिलेगा, नहीं तो जमींदार 20 किलो है का बेटा करके अच्छा। 20 किलो का पैसा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो बारिश होगी। 30 रुपए किलो प्याज, 30 रुपए किलो आलू, 40 रुपए किलो तुरई की रेट क्या है? 25 रुपए किलो, 50 की 2 किलो। और ये खीरा 40 रुपए किलो। और लौकी 50 की 2 किलो। भिंडी की रेट क्या है? 70 रुपए किलो। ठीक है, मैं ये पूछने जा रहा था, मैक्सिमम आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है मतलब के ये रास्ता आने जाने का, तो यहाँ पे आप कम से कम कितना सौदा दे सकते हैं लोगों को? तो आप अगर होलसेल वाला लेगा तो आपको 20 रुपये किलो मिलेगा बाबा। अच्छा नहीं, इनसे नहीं आए 20 रुपये किलो, अभी हम बेच रहे हैं। हाँ नहीं, आपके पास सही है, मैं ये पूछने जा रहा था, जैसा कोई बोले मुझे 2 किलो देते 1 किलो देते तो आप देते? हाँ दे देते। ठीक है, 1-2 किलो हम देगा, ज़्यादा लेगा तो सस्ती दो सौ चलाएगा। हाँ जारी बात, क्वान्टिटी आप लेंगे तो फिर रेट कम कर देंगे ना आप, जैसे 25 रुपये के 30 रुपये तो 25 रुपये कर देंगे, 50 रुपये तो 40 रुपये कर देंगे। ठीक है, 30 रुपये किलो। टिंडा कैसा है भैया? हाँ ओवर साइज है ना, तो क्या हिसाब है ये? 20 रुपये किलो। और ये वाला 60 रुपये किलो। लौकी की रेट क्या है? 10 रुपये किलो। हाँ तुरई कद्दू 10 रुपये किलो। तुरई कद्दू 10 रुपये किलो। लौकी लौकी कद्दू हुआ। अच्छा लौकी कद्दू में आता है। अच्छा लौकी भी 10 रुपये किलो, तुरई भी 10 रुपये किलो, और मिर्ची भी 10 रुपये किलो है क्या? 30 रुपये किलो। और ये वाली मिर्ची ये 20 रुपये। हाई भिंडी है, और भिंडी 20 रुपये किलो। ये 450 रुपये का लगाएंगे। अच्छा ये पेटी भी 450 रुपये की, तो टमाटर सस्ता क्यों हो गया, क्या वजह है? ये गर्म खत्म हो गया, छुट्टी का वजह से माल जाम हो गया। अच्छा छुट्टी का से माल नहीं आ रहा है? अच्छा क्या चीज़ से माल बाहर नहीं जा रहा अभी, कह रहे हैं? नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा अभी कह रहे हैं कि ईरान के टमाटर आ गए मार्केट में भरपूर, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू डाउन हो गई है। चलो इंशाल्लाह अल्लाह कर बेहतर हो जाएगा काम हम। ठीक है, चलो शुक्रिया बाबू।